नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे और वो है लॉ ऑफ प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास का नियम। ये जो नियम है ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ है। ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक ने तीन महत्वपूर्ण लॉज दिए थे, जैसे कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ये तीनों ही कहलाते हैं प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्या है, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है। तो जब हम बात करते हैं इसमें से लॉ ऑफ प्रैक्टिस की, जो कि आज हम चर्चा कर रहे हैं अभ्यास का नियम, ये क्या कहता है, इसका सिंपल सा अर्थ यह है कि अगर हम किसी भी चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी लर्निंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसके लिए एक हिंदी में कुछ पंक्तियां भी हैं, आपने सुना भी होगा, जैसे करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो यहां पर क्या अर्थ है, यहां पर भी अगर आप इसका सारांश देखें तो यही कहा गया है कि भाई अभ्यास करने से ही चीजें हम सीख पाते हैं। जैसे एक पत्थर पे बार बार रस्सी आती जाती है, कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो जैसे पत्थर पे रस्सी जब बार बार लगती है, घिसती है, तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। शॉर्ट में यही समझाऊं तो इसका अर्थ ये है कि भाई जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं बार बार तो हम क्या करते हैं, उस चीज को और बेहतर सीख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो जो स्टिमुलस होता है वो और जो हमारा व्यवहार है उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है, एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और इस वजह से हमारी लर्निंग जो होती है वो काफी बेहतर होती है। ठीक है, अब लॉ ऑफ प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत भी दो लॉज आ जाते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहला है लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। बहुत ही अच्छा और आसान सा कंसेप्ट है। लॉ ऑफ यूज मतलब जब हम किसी चीज को यूज में रखते हैं, प्रैक्टिस में रखते हैं, अभ्यास में रखते हैं, कंटिन्यू में, तो हमारी उसकी लर्निंग बनी रहती है। इसको ऐसे समझिए, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने देखा होगा अक्सर किसी भी मैच, क्रिकेट मैच की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी क्रिकेट मैच से पहले इंडियन टीम को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपने देखा होगा हमारी जो इंडियन टीम होती है वो कितना प्रैक्टिस करती है। उसका कारण क्या है, ये लॉ ऑफ यूज। उनको पता है कि अगर मैच में अच्छा परफॉर्म करना है तो उनको अभ्यास करते रहना होगा, खेलने का अभ्यास करते रहना होगा, क्योंकि अगर वो यूज में रहेंगे तो उनकी लर्निंग जो है वो बनी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ लॉ ऑफ डिसयूज का अर्थ क्या है कि आप प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिए, अभ्यास करना छोड़ दीजिए, आपकी लर्निंग धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक समय पर हो सकता है वो शून्य हो जाए। वही सेम उदाहरण ले लेते हैं कि अगर भाई इंडियन क्रिकेट टीम है, अगर वो खेलने से पहले अभ्यास ना करे, वो सोचे कि यार मेरे को तो भाई बहुत अच्छा खेलना आता, हमें प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे जो हमारी इंडियन टीम है उसका परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग, लॉ ऑफ यूज इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों ही चीज समझ में आ गई होंगी, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। इसी के साथ जो ये लॉ ऑफ प्रैक्टिस है वो भी आप समझ गए होंगे। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।